हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले, जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो मित्र या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो कि आपको प्रतिदिन प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसी क्रम में ये अगला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह है नर्स और मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला प्रश्न है, पांचवें IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा लेह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। डांस फॉर डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 60वें वार्षिक यक्षगान परफॉर्मेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है, मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मांडू महोत्सव का संबंध मध्य प्रदेश से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वीमेन नामक पहल लॉन्च की है? तो ये पहल जो है महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है। हाल ही में किसे संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एस सौम्या को संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा हरगीला किसकी प्रजाति है? तो यह सारस की एक प्रजाति है। उम्मीद है आप सबको ये 10 क्वेश्चन जरूर पसंद आएंगे। आप सब इनको रट लें, आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।